नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 2 लाख की कीमत गांजा किया जब्त। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ी मात्रा में नशे की खेप का जखीरा बरामद किया है। नशे की खेप को छत्तीसगढ़ राज्य से लेकर आने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांजे के कारोबारियों से 2 गाड़ियों में लगभग 2 लाख की कीमती का गांजा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही 4 युवक को अलग अलग गाड़ियों में 15 किलो गांजा छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए अंबिकापुर भैया थाना कुलदलगढ़ चांदनी बिरसिंहपुर होते हुए मध्य प्रदेश के मकरोहर के रास्ते तस्करी का कार्य किया करते थे। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर 4 आरोपी सिंगरौली जिले के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके पास स्विफ्ट डिजायर और निशान मैग्नेट कार भी जब्त कर ली गई है, जिसके जरिए गांजा का खेप लाया जा रहा है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे था खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में विगत माह में नशीले पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य लगभग 1 क्विंटल गांजे के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें 51 प्रकरण जो है NDPS में दर्ज किए गए हैं। इसमें 51 प्रकरण NDPS में केवल गांजे में हुए हैं और 1 क्विंटल के करीब जो है इसमें क्वान्टिटी जब्त हुई है। 12 प्रकरण फोरेक्स वाले मामले, इसमें जो कोडिंग इसमें रहता है बेसिकली, वो उसकी कार्रवाई हुई है। 4 प्रकरण जो है इसमें स्मैक की बड़े बड़े कार्रवाई की गई है। और इसी तारतम्य में कल एक जो है विंदनगर सब डिवीजन के अंतर्गत जो है शासन चौकी में जो मकरोहर दराह पड़ता है, वहाँ पे मुख्य जो सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है कोई पहले से ही पुलिस के पास एक उपस्थित मिली थी कि यहाँ से कुछ लोग गए हुए हैं जो छत्तीसगढ़ से जो है गांजा लेके आते हैं। पुलिस के द्वारा वो सूचना काफ़ी गंभीरता से लेती है। लगभग 10 से 12 घंटे की वहाँ एंबुलेंस लगाई गई और उस एम्बुस के उपरांत जो है लगभग 3 आरोपी जो है वहाँ से पकड़े गए। उनके पास से जो गांजा जब्त हुआ लगभग 13 kg गांजा दो व्हीकल से जब्त हुआ, दोनों व्हीकल भी जब्त किए गए हैं और 1 जो है 2 किलो गांजा जो है एक महिला से जब्त हुआ है जिसको उन्होंने अलग से दे दिया जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कुल टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जिनके नाम क्रम से अर्जुन नामदेव, सदन कुमार वैश्य, सुमेश कुमार वैश्य और कौशल्या देवी, और टोटल मशरूका गाड़ियां सहित उन्हें मिला के 20 लाख की मशरूका जब्त हुआ है। पूरी टीम को जो है नगर पुरस्कार से पुरस्कार गए हैं। कहाँ से गांजा ला रहे थे सर? ये छत्तीसगढ़ से गांजा लेके आ रहे थे और पुलिस ने उन लोगों से जिनसे गांजा लेके आए हैं कुछ चिन्हित भी कर लिया है और हमारी टीमें जो है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही वो कार्रवाई हो जाएगी आपको। सर, ये गांजा सिंगरौली जिले में खपत करने की लांथे की कहीं और बाहर निकल रहे थे सर? ये जो है चूंकि ये बड़ी क्वांटिटी लेके आते हैं, पैकेट्स लेके आते हैं, 1-1.5 किलो के पैकेट्स थे। उसके बाद ये छोटे छोटे जो जो इनके ग्राहक रहते हैं उनको छोटी छोटी कुड़ियाँ बना के उस टाइप से सप्लाई करते हैं। पूरा पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहाँ से लेके आए थे, कौन कौन इनके ग्राहक हैं, उन सभी को पुलिस ने टारगेट में लिया, सभी को देखने के लिए। छत्तीसगढ़ से बेसिकली ये तस्करी हुई थी या पूर्व में जसपुर का भी वापस आने आया? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।